आज मोबाइल की थोड़ी सी टेस्टिंग करेंगे, देखेंगे कि ये वाटरप्रूफ है या नहीं है। क्या ये कितनी सुंदर है, छोटी सी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सब ठीक होंगे। आज बड़े दिन के बाद मैं व्लॉग ला रहा हूँ। बिजी थे, पेपर्स चल रहे थे, प्रैक्टिकल खत्म हो गए, अभी तो पेपर बाकी हैं। तो आज मैं किश्तवाड़ में हूँ। आज अचानक से प्रोग्राम बना कि हम कहीं स्विमिंग करने जाए। यहाँ एक एरिया पड़ता है, उसका नाम है वरड़ा। तो ये भाई बोल रहे हैं पीछे से हम कांदी जाएंगे, तो मैं बोल रहा हूँ वरड़ा। अब देखेंगे कहाँ का प्लान बनेगा। आज का व्लॉग स्पेशल होगा। जो नए होंगे मेरे चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा। चले चलते हैं। अजहर भाई इस वक्त गए कुछ कोल्ड ड्रिंक लाने, खाना भी नहीं आज खाया है, जल्दबाजी में निकले। फाइनली हम पहुंच गए। अभी यहां से लगभग 15 मिनट लगते हैं ऊपर चढ़ने में। यहां तक गाड़ी आती है, यहां से ऊपर फिर पैदल जाना पड़ता है। कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है तीनों को, बहुत ज़्यादा। अभी हम पहुंच गए, अभी इधर से वहां जाना है, वहां पे डल है। मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए तीन भाई आगे जा रहे हैं, हो रहा डल। और ये रहा डल, इसे चप्पल निकालनी पड़ेगी, उसके बाद अंदर जाना पड़ेगा। ये है झरना। आपने देखा कैमरे पे भी पानी पड़ चुका है। और अजहर की स्विमिंग चल चुकी है। आज मोबाइल की थोड़ी सी टेस्टिंग करेंगे, देखेंगे कि ये वाटरप्रूफ है या नहीं है। मोबाइल की टेस्टिंग पास हो चुकी है, मोबाइल वाटरप्रूफ है, अभी भी बचा हुआ है मेरा फोन। झरने के पीछे जाएंगे। और अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का खूबसूरत झरना। देखिए आप इधर कहीं ना जीराटन इधर होता भी आया ना नक्सोपोपगढ़
तो आप देखिए कि ये वाला झरना, अब इसमें भी हम घुसेंगे, इसका मजा भी लेंगे। माइक का कुछ पता नहीं चल रहा है कि माइक इसमें वर्किंग में है या नहीं है, क्योंकि मैंने ये पानी में 2-3 बार डाला। अलग ही मजा है। और यहाँ का झरना भी मैंने आपको दिखाया और हमने भी मजे लिए, अजहर ने भी मजे लिए। तो अब देर हो रही है, अब चलते हैं सीधे गाड़ी के लिए। जुनेद भैया और आमिर वो नीचे हैं, और यहाँ पे कुत्ता भी था कहीं उनको, नहीं तो वो काटेगा। छोटा सा ही है, मैं काटेगा बहुत ज़्यादा। क्या ये कितनी सुंदर है, छोटी सी। अब मैं आपको ग्रटा दिखाऊंगा, हम कश्मीरी में उसको ग्रटा ही कहते हैं। आप देखिए ये ग्रटा है, जो ये है इसमें देसी तरीके से अनाज पीसा जाता है आटे के लिए। देखिए ये था पुराने ज़माने की मशीन, उसको बोलते हैं आटे की मशीन। तो अब निकलने का टाइम आ गया, अब निकलते हैं। कज़िन भी नीचे वेट कर रहे हैं, और अल्लाह ताला के फजल से बहुत मज़ा आया। भाई निकल चुके हैं, अब हम ऊपर बैठेंगे, ऊपर वहाँ पे बैठने के लिए एक जगह है। तो अब निकलते हैं। बिस्मिल्लाह। थोड़ा यहाँ चलने में मुश्किलात होती है, सोचा था यहाँ बैठेंगे, मगर जो अजहर के वाले साहब हैं उन्होंने कॉल किया अजहर को कि जल्दी आ जाओ। तो अब हम जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी अजहर की साथ थी। आज का व्लॉग इतना ही था। अब माइक का कुछ पता नहीं, माइक इसमें वर्किंग में है या हो गई बंद। तो अगर आपको मेरा व्लॉग आज का अच्छा लगा, वो छोटा सा ही व्लॉग मैंने डाला था, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस भी करते हैं कि आप व्लॉगिंग नहीं आज करते हो। तो पेपर से प्रैक्टिकल चल रहे थे, और घर में भी थोड़ी सी एक अंकल की डेथ हुई थी, तो अभी उसकी वजह से व्लॉग नहीं आते थे। अब इंशाल्लाह व्लॉग आएंगे। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो आज का, तो अपना प्यार दिखाए और वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट ज़रूर ज़रूर करना, क्योंकि कमेंट से इंसान मोटिवेट हो जाता है। तो तभी फिर मैं नए आपके लिए व्लॉग लाया करूँगा, तो कमेंट ज़रूर करना। चले नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब अपना ख्याल रखना, अल्लाह ताला खुश रखे सबको।